नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर वीटीवी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का जीके का सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो 5 सितंबर के जीके का आप लोग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, IGI एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट आप लोग का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो ये जो एयरपोर्ट है वो है दिल्ली में। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली का IGI एयरपोर्ट में सबसे टॉलेस्ट ATC टावर आप लोग का होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब इससे क्या होता है, आप लोग का जो भी आवाजाही चल रहा है, जो भी सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो इसके कारण ये सबसे टॉलेस्ट है अभी तक का। हर एयरपोर्ट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट मतलब 102 मीटर्स का है। 102 मीटर का आप लोग का ATC टावर लगा हुआ है। कहाँ पर? IGI एयरपोर्ट, दैट इज़ इन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया पहला। नेक्स्ट आप लोग बात किया जाए, यूट्यूब को फाइन लगा है अभी रिसेंटली। यूट्यूब पे पब्लिक आप लोग का फ़ाइन लगा हुआ है कितने का? 170 मिलियन डॉलर्स का। ये किस चीज़ पे लगा हुआ है? तो ये यूट्यूब जो है वो 13 साल से बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, 13 साल से कम वाले बच्चे होते हैं, उनका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना नहीं रहता है। ये एक लॉ आया था 1998 के आसपास कि आप लोग का जो 13 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग का गैदर नहीं करना है, पर यूट्यूब के द्वारा ये गैदर किया जा रहा है। तो उसके कारण जो है यूट्यूब पे फाइन लगा है 170 मिलियन डॉलर का। अगला जो आप लोग का क्रिसिल। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये इंडिया का ग्रोथ जो है, ग्रोथ कितना हो सकता है ना, उस मतलब ये फोरकास्ट करती है। बहुत बहुत लोग करते हैं, RBI करती है, वर्ल्ड बैंक करती है, ठीक है, आपका ADB करता है, बहुत कुछ करता है। तो आपका क्रिसिल जो है वो 6.9 रखा था, लेकिन 6.9 से आप लोग का कम करके 6.3 कर दिया है 2019-20 जो आप लोग का सेशन है। ठीक है, जो ये साल है आप लोग का 2019-20, उसका 6.3 कर दिया है इंडिया का ग्रोथ रेट बाई क्रिसिल, दैट इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, अगला जो आप लोग का है रिटेल लोन। रिटेल लोन क्या होता है? आप लोग का हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, आप लोग का ऑटो लोन, जो भी आप लोग के लोगों के लिए लोन होता है, नॉर्मल लोगों के लिए, उसको बोलते हैं रिटेल लोन। ठीक है, ये रिटेल लोन का रेट जो है वो MCLR पे बेस्ड था। पहले जो है MCLR पे बेस्ड था, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड फंडिंग रेट्स ना। तो ये MCLR जो है इसके ऊपर आप लोग का पूरा बेस था रिटेल लोन रेट्स का। लेकिन अब जो है ये MCLR से हटा के इसको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग देखोगे रेपो रेट जो है बहुत चेंज हो रहा है। रेपो रेट जो है बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन बैंक के लोन्स के रेट जो है उतने के उतने ही हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो बहुत ही कम पड़ रहा है। जैसे मान के चलिए अभी रिसेंटली आप लोग देखेंगे 110 बेसिस पॉइंट्स, 110 बेसिस पॉइंट्स मतलब आप लोग का 5.40 हो गया रेपो रेट, 5.40 रेपो रेट हो गया है। इतना कम होने के बाद भी आप लोग का यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला लोन के रेट्स में। तो इसलिए 1 अक्टूबर से जो है अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के ऊपर डाल देंगे पूरा का पूरा रेट्स को जो डिसाइड करने का जिम्मा। तो ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है इसको हम लोग बोलते हैं FBIL, ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर डाल दिया गया अभी रिटेल लोन रेट्स की, अभी RBI ने किया ये सब, कि बैंक्स जो है अब MCLR को फॉलो नहीं करेंगे, ये FBIL के थ्रू जो है जो भी रेट्स तो डिसाइड किया जाएगा उस रेट्स पे आप लोग का जो है उसको फॉलो करना होगा। अगला जो आप लोग का है विप्रो जो है वो ICICI के साथ आप लोग का डील की है कि 7 साल तक विप्रो जो है ICICI के लिए काम करेगी, 7 साल तक। और ये जो डील है वो 300 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, पहले दूसरी कंपनी करती थी, लेकिन अब जो है विप्रो ले लिया है इसका। ठीक है, ICICI का हेड कौन है और उसका हेडक्वार्टर कौन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेड हो जाते हैं संदीप बख्शी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? आप लोग का मुंबई हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हेड कौन है, चीफ कौन है आप लोग के? संदीप बख्शी, पहले चंदा कोचर जी थी, उनके हटने के बाद जो है अब संदीप बख्शी जी हैं जो कि अभी एट प्रेजेंट उसके हेड है, एंड मुंबई उसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और 300 मिलियन डॉलर्स पे विप्रो जो है अब ICICI के लिए काम करेगा। अगला जो आप लोग का है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये हर साल निकलता है आप लोग का, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की सबसे अच्छा रहने वाला जगह कौन सा है। तो इसमें सबसे टॉप में आप लोग का वियना है। वियना कहाँ की राजधानी है, कहाँ की कैपिटल है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया से नहीं करना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश है।
ऑस्ट्रिया का कैपिटल आप लोग का हो जाता है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना जो है वो टॉप में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, और सेकंड और थर्ड में आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का आप लोग का सिडनी, सिडनी और मेलबर्न जो है वो दोनों सेकंड पोजीशन में है, और ये दोनों आप लोग के ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ये दोनों आप लोग का ऑस्ट्रेलिया का को कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है आप लोग का कैनबरा, और ये सिडनी और मेलबर्न जो सेकंड रैंक में है वो उसकी एक दो दो अलग अलग सिटीज़ हैं, ठीक है, सिडनी और मेलबर्न, और आप लोग का ये कैनबरा वहाँ का कैपिटल हो जाता है। और फर्स्ट में आप लोग का वियना, दैट इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पे आप लोग का यूरोप में पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इंडिया के दो सिटीज़ के ऊपर कि कौन सा लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया के कौन से दो सिटीज़ टॉप में। तो दिल्ली है आप लोग का रैंक है 118, पहले 112 था अभी, और मुंबई का रैंक है आप लोग का 119, पहले 117 था, मतलब दो रैंक पीछे हो गया आप लोग का मुंबई, और 6 रैंक 112 से 118 हो गया पीछे दिल्ली, ठीक है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे होते जा रहा है। अगला जो है आप लोग का गोल्ड रिजर्व की बात किया जाए, मतलब कितने गोल्ड रिजर्व है, तो सबसे टॉप में आता है आप लोग का यूएसए, जो कि आप लोग का लगभग 8,000 टन, 8,000 टन आप लोग का गोल्ड रिजर्व है यूएसए में। उसके बाद 3,000 टन के आसपास आप लोग का जो है जर्मनी में मिलेगा सेकंड रैंक में, और इंडिया का रैंक आप लोग का मिलेगा 10, और इंडिया में आप लोग का 618 टन का जो है गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टॉप 10 में जो है इंडिया आती है एज़ पर गोल्ड रिजर्व रैंकिंग। अगला जो आप लोग का है साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस, साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन और कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हो रहा है, तो आप लोग का होगा वो न्यू दिल्ली में, कहाँ होगा आप लोग का, न्यू दिल्ली में होगा। अगला जो है आप लोग का लोकतंत्र, लोकतंत्र के स्वर जो है एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उसका सेकंड पार्ट आया है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है लोकतंत्र के स्वर जो है वो किसने रिलीज़ किया, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू जी कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोग को जानना है, राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो भी आप लोग के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट कौन है राज्यसभा के चेयरमैन, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी ने जो है आप लोग का रिलीज़ किया है अ बुक दैट इज़ लोकतंत्र के स्वर। और ये लोकतंत्र के स्वर में है क्या, तो ये आप लोग को इसमें जो है हमारे प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनके उनका आइडियाज़ और उनका जो काम है उसके बारे में आप लोग का ये बुक लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। अगला जो है आप लोग का कतर, कतर से रिलेटेड आप लोग का है। कतर जो है अभी आप लोग का फीफा 2018 का जो रशिया ने करवा चुका है फीफा, 2022 का जो है वो कतर आप लोग का करवाएगी फीफा, और 2026 में आप लोग की तीन कंट्रीज़ मिलकर करने वाली है जो नॉर्थ अमेरिका की है, दैट इज़ यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। और 2022 की बात की जाए तो कतर फीफा करवाने वाली है, तो कतर ने जो है उसका लोगो दे दिया है, ठीक है, कतर ने जो है उसका लोगो आज लॉन्च कर दिया है। लोगो का कलर बात किया जाए तो कलर आप लोग का मेरून है, एंड लोगो है क्या आप लोग का, एक शॉल है अरेबिक वाइट यूनिसेक्स शॉल, ठीक है, ये आप लोग का वहाँ का लोगो है जो कि कलर है मैरून, और कतर जो है करवाने वाला है 2022 का फीफा। ये सारा चीज़ एक न्यूज़ है, ठीक है। अगला जो आप लोग का है अभी पाकिस्तान का बात सुने होंगे कि वहाँ का कोच सही नहीं है इसलिए क्रिकेट जो है उसमें पीछे होते बड़ा है, तो वहाँ का कोच चेंज कर दिया गया है, पाकिस्तान का जो कोच है हेड कोच उनको चेंज करके अभी कर दिया गया है मिसबा उलहक को अब लोग अब जो है कोच बना दिया गया है आप लोग का पाकिस्तान का। अगला जो आप लोग का है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आप लोग का 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये बेसिकली आप लोग का 1979 में जो अपना 1979 में आप लोग का स्टार्ट हुआ है ना इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, तो इसमें बेसिकली हुआ गया था आप लोग का जो मदर टेरेसा है जो कि पीस के लिए बहुत काम की थी, है ना, तो उनका जो है डेथ एनिवर्सरी जो है 5 सितंबर को है। तो उस डे उस उपलक्ष्य में आप लोग का जो है उस आप लोग का जो याद में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। अगला जो है रोहित शर्मा जो कि आप लोग के इंडिया क्रिकेट के कभी कभी कैप्टन बन जाते हैं, कभी कभी मैं इसलिए बोलूँगा कि बेसिकली विराट कोहली है, लेकिन विराट कोहली के एब्सेंस में जो है रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन बन जाते हैं। तो रोहित शर्मा जी जो हैं रोहित फॉर रायनोस जो इसमें आप लोग का सेव रायनोस के ऊपर आप लोग का ये एक कैंपेन है रोहित फॉर रायनोस, ये रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया है किसके साथ मिलके, एनिमल प्लैनेट के साथ मिलके।
एनिमल प्लानेट के साथ मिलकर किया है स्टार्ट। अगला जो है आप लोग का गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो गुलमार्ग तो आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ क्या है कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा है, अभी 31 अक्टूबर से, अभी अभी तो अभी कुछ है नहीं वहाँ पे, लेकिन 31 अक्टूबर जो कि यूनिटी डे, यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है आप लोग का 31 अक्टूबर को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती में, ठीक है, तो ये जो यूनिटी डे है इस दिन जो है आप लोग का जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में चेंज कर देंगे, दैट इज़ लेह लद्दाख, ठीक है, और जम्मू, ये चीज़ दो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो जाएगा, ये स्टेट से हट के दो यूनियन टेरिटरी में चेंज हो जाएगा, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग का रिलेटेड टू 5 सितंबर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड पढ़ते रहिए।